शनिवार को अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई और जिस तरह से यूपी पुलिस के हाथ धोकर अतीक के गैंग के पीछे पड़ गई, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, उससे अतीक के गैंग में डर की एक लहर सी दौड़ गई है। यहां तक कि जेल में बंद अतीक के दोनों बेटों का इन खबरों के बाद से बुरा हाल है। शायद यही वजह है कि अतीक के तमाम गुर्गों ने पुलिस से बचने के लिए अब अपने अपने मोबाइल बंद कर दिए। अतीक के अंत के बाद डर गया माफिया का बेटा। अतीक के बड़े बेटे उमर के बर्ताव में आया बदलाव। पिता और चाचा की मौत के बाद शांत हुआ उमर। असद के एनकाउंटर की खबर के एक घंटे तक रोता रहा उमर। यह तस्वीर माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे उमर की है, जो इन दिनों जेल में बंद है। लेकिन इस माफिया डॉन के बड़े बेटे के रवैये में बड़ा बदलाव नजर आया है। लखनऊ जेल से जो खबर सामने आई, उसने तो पुलिस को और भी ज्यादा हैरत में डाल दिया। बीते शनिवार को जेल के भीतर का मंजर बदला हुआ था। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की खबर जैसे ही उमर अहमद को मिली, तो वो बैरक में अचानक घुटनों पर ही बैठ गया और ऊपर देख कर दुआ मांगने लगा। तो क्या अतीक का बेटा उमर अब डर गया है? तो क्या उमर को भी मौत का डर सताने लगा है? तो क्या उमर ने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली है? यूपी के माफिया डॉन का एक बेटा उमर तो एक ही झटके में बदल गया, लेकिन दूसरे बेटे अली का नजरिया अपने बड़े भाई के मुकाबले एकदम बदला हुआ था। नैनी जेल में कैदी है अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली। अली पिता अतीक अहमद और चाचा की हत्या के बाद हिल गया। पिता के मारे जाने के गम में अली ने जेल में खाना पीना छोड़ दिया। अली को बैरक से निकालकर रात में ही अस्पताल में भर्ती किया गया। यानी कुल मिलाकर अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने के बाद अब उसका पूरा कुनबा गुस्से और गम के समंदर में पूरी तरह डूब गया है। एक जेल में उमर रो रहा है, तो दूसरी जेल में अली की हालत खराब हो रही है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे उमर के बर्ताव में बड़ा बदलाव नजर आया है, और पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की हत्या के बाद से वो बेहद शांत रहने लगा है। अपने पिता और चाचा के मारे जाने की खबर मिलने के बाद उमर ने जेल के बंदी रक्षक से एक ही सवाल किया, अतीक और अशरफ को किसने मारा? क्या गोली मारने वाले पकड़े गए? क्या हथियारों का भी एनकाउंटर हो गया? इसी बीच अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जांच में जुटी पुलिस टीमों के लिए एक और मुश्किल सामने आई। अतीक के गुर्गों के लगभग 800 नंबर अचानक बंद हुए। सभी 800 नंबर सर्वेलांस पर लगे हुए थे। बंद हुए नंबरों की डिटेल खंगाली जा रही है, उनकी कॉल डिटेल ली जा रही है। शनिवार को अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बंद हुए 800 नंबर। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही यूपी पुलिस शूटरों की तलाश में लगी हुई थी, और पुलिस टीमों ने अतीक अहमद और उससे जुड़े लोगों के नंबरों को सर्वेलांस पर डाला हुआ था। लेकिन अचानक शनिवार को अतीक अहमद और अशरफ के फौरन बाद से ही सर्वेलांस पर लिए गए नंबर बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया। उमेश पाल के शूटरों की तलाश में पुलिस टीमों ने शूटरों के रिश्तेदारों और उसके साथ साथ अतीक अहमद की जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों के नंबर सर्वेलेंस पर लिए हुए थे। आज तक ब्यूरो।